मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा सुंदरकांड का पाठ शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के श्यामला हिल्स स्थित निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के इस आयोजन को स्वांग करार दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। उन्होंने प्रदेशवासियों और समर्थकों से निवेदन किया है कि आप भी अपनी अपनी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ कर इस आयोजन के सहभागी बने। रीवा में विधायक सिद्धार्थ तिवारी, देवास में पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और मंदसौर तथा तमाम जिलों में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का स्वागत कर चुके हैं। इसके साथ उन्होंने अपने ऑफिशियल और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी। इसमें वह राम भक्त और भगवा रंग के दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस को इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सत्ता में वापस लौटने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उपचुनावों को देखते हुए चुनाव प्रसार में बदलाव किया है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के इस आयोजन को स्वांग करार दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जान ना जाए निशाचर माया, काल नेम के ही कारण आया। क्या राम भक्तों को इतना नासमझ माना जा रहा है कि एक तरफ सुंदरकांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढहाने का कांड हो। उनका इशारा दिग्विजय सिंह की तरफ था। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त को अशुभ बताते हुए कहा था कि इसे पीएम मोदी ने अपने अनुसार तय करवाया है। मिश्रा का कहना था कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि राम भक्त इतने ना समझ नहीं है कि कथनी और करनी का भेद नहीं समझ पाए। उसका एक नेता सुंदरकांड कराने की बात करता है तो दूसरा लंका कांड में व्यस्त है। राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस का स्वांग अब और नहीं चलेगा। देखिए आप भी नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा। तो को इतना ना समझ रहे हैं कि एक तरफ सुंदरकांड हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का लंका कांड की तरह ढहाने का कांड हो, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, वो पार्टी सिरे कैसे लेना चाह रही है? एक व्यक्ति तिथि टालने की बात कर रहा है, एक सुंदर कांड कर रहा है। राम भक्त इतने ना समझ नहीं है कि इस तुष्टिकरण की राजनीति को ना समझ पाए। दोनों कोरों से हाथ नहीं टेकना चाहिए, पूरी पार्टी को एक लाइन होकर कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर तो था। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.